पीएम आवास योजना के तहत एक के बाद एक भारी गड़बड़ियां देखने को मिली है। जिन्हें घर की जरूरत होती है उन्हें घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते, और जिन्हें पैसे मिलते हैं उन्हें घर की जरूरत ही नहीं होती। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसे दिए ही नहीं पैसे, उसे वापस मांग रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो उससे पहले आप हमारे चैनल जियोगी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में ग्राम पंचायत अमली मालगी के में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिस बुजुर्ग महिला के नाम पर फंड जारी किया गया, उसे न मिलकर किसी हमनाम वाली दूसरी महिला के नाम पर आवास की राशि जारी कर दी गई। इधर बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड मिलने की जानकारी के बाद अपना मकान तुड़वा भी दिया। अब वह आवास के लिए भटक रही है। ऐसे में अब उसके पास रहने के लिए भी घर नहीं रहा। कवर्धा में सामने आए इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला को आवास निर्माण के लिए राशि मिलनी थी, उसे न मिलकर किसी और महिला के खाते में 52,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब इस बुजुर्ग महिला के नाम से फंड स्वीकृत होने के चलते उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि या तो वह आवास निर्माण करे या फिर राशि वापस करे। इससे बुजुर्ग महिला की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरपंच और सचिव की मनमानी का खामियाजा इस बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ रहा है। परेशान बुजुर्ग महिला का नाम पुसैया बाई सिंगरौल है। वह पंडरिया जनपद पंचायत के ग्राम अमली मालगी की रहने वाली है। इस बुजुर्ग महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई थी। आवास स्वीकृत होने की खुशी में उन्होंने अपना पुराना घर तुड़वा दिया, लेकिन निर्माण के लिए राशि ही नहीं मिली, मजबूरी में किराए के घर में रहना पड़ रहा है। दरअसल गांव में पुसैया बाई साहू नाम की एक और महिला है, जिनके खाते में राशि ट्रांसफर हो गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंच और सचिव ने जानबूझकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया है।